डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कर रहे थे हमने, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक के बाद डिस्क्रिप्टिव पर अब फोकस करना है। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि किसी वेरिएबल या उसके किसी लेवल में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी बार अक्कर हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वेरिएबल है और उसके लेवल हैं हाई, एवरेज, लो। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इधर है, जेंडर वेरिएबल है, उसके लेवल हैं मेल और फीमेल। हम देख सकते हैं कि जेंडर मेल कितनी बार, मान लीजिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कॉलेज का डाटा है और उसको हमने इस टेबल में कन्वर्ट कर लिया है और हम पूछ रहे हैं कि कितने कितने मेल हैं, नंबर ऑफ मेल्स इन दैट कॉलेज 10, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फीमेल कितने हैं, ये भी 10। इस तरफ देखेंगे कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इट मीन 4 बार इस कैटेगरी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर अक्कर हो रहे हैं, एवरेज के 9 हैं और लो के 7 हैं। सो फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतना समझना है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद विच स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो आपका आंसर नॉमिनल स्केल में आएगा, क्योंकि नॉमिनल स्केल की एग्जाम्पल भी यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आपने नॉमिनल स्केल भी अंडरस्टैंड करना है तो नॉमिनल स्केल क्या है कि कैटेगरी कर देनी, किसी की क्लासिफिकेशन कर देनी। यहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की क्लासिफिकेशन की हुई है, जेंडर की क्लासिफिकेशन की हुई है, तो ये एक वेरिएबल की एग्जाम्पल लेनी है। क्लासिफाइंग वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये सारे ही नॉमिनल स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कैटेगरिकल है। और सेकंड बात है कि इसमें काउंटिंग होती है, गिनती होती है। यहाँ हमने गिनती की है मेल कितने हैं, यहाँ की है फीमेल कितने हैं, यहाँ हाई कितने हैं वगैरह, और टोटल कितने हैं, तो ये टेबल आप से फ्रीक्वेंसी क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना डाटा में से। पहले ये देख लीजिए, किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना डाटा में से, वो डाटा जो है, वो वैल्यू जो है वो सारे सैंपल को रिप्रेजेंट करती हो, ठीक। इट मीन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है आइडेंटिफाई करनी, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। वो सिंगल वैल्यू होगी, तो वो 3 है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, तीनों को समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिए हैं, सैंपल मान लिए छोटा सा लेंगे, वैसे बड़ी इजी करने के लिए मैं छोटा सैंपल ले रहा हूँ आपको, अदरवाइज बहुत लंबा, एक ही मीन को समझने के लिए 2-4 दिन लग सकते हैं, 2-4 पीरियड लग सकते हैं। तो हमने ये सैंपल 1 हो गया, सैंपल 2 हो गया, सैंपल 3, सैंपल 4 हो गया, ठीक। अब सैंपल ये देख के हमने ये मान लिए सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तो मीन क्या है, मीन सिंपल है कि जो वैल्यू ये है एक पर्सन की है, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सैंपल 1 ने ये निकला है, ये ही असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ कोई और होंगे, नीले कर लेंगे यहाँ पर, इतने बनाने के लिए टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इनकी ये हो गई, ये इनको काले कर लो बेशक, ठीक है, ये हो गए। ये देखिए कि मीन क्या है, मीन क्या है, मीन सभी जो स्कोर आया है, पहले इनका स्कोर ये है, इसको प्लस कर दिया हमने, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस करके आ गए 15। और ये कितने जने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एन जो है, जिसको एन बोलते हैं, छोटा एन सैंपल के लिए लिखते हैं, बड़ा एन पॉपुलेशन के लिए लिखते हैं, ये 5 जने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस भी इसको बोल देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आ गया 3,
ठीक। इस तरह सैंपल टू है, सैंपल टू में से इसी तरह ये भी 15 है और 3 आ रहा है, ये भी 15 है, 3 ही आएगा, तो ये मीन स्कोर हो गया 3। अब ये बात याद रखनी है कि हम मैंने पहले का भी स्कोर काउंट किया है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी या कौन सा फॉलोइंग स्टैटिस्टिक ऑप्शन हो सकती है, मीन, मीडियन, मोड, एसडी, वेरिएंस, जो ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल जो वैल्यू है उनको कंसिडर करता है। तो मीन देख लीजिए सभी वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, ठीक। इसके अलावा और क्राइटेरिया आगे चल के लेते हैं छोटे छोटे, जिस पर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। अब मीडियन को समझ लें, मीडियन क्या है, मिड पॉइंट है, ये याद रखना, पॉइंट, इट इज नॉट स्कोर, इट इज पॉइंट, और मिड वैल्यू भी इसको बोलते हैं। तो मिड वैल्यू को 15% भी बोलते हैं, जब क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे, क्वार्टाइल मीन 1/4, 25th, 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 ये जमा होके 100 बन गए, तो ये जब परसेंटाइल रैंक रिलेटिव पोजीशन पढ़ेंगे तो 1 से लेके 100 या 99 तक जो पोजीशन देखेंगे, उन पोजीशन को 3 भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है। वो जो सेंटर वाली पोजीशन है 100 की, वो बन गई 50th, ठीक है, 50th बन गई, 50th को ही मीडियन कहते हैं, मिड वैल्यू, ठीक। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन में हमने जो जो भी डाटा आपके पास है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है। लगाने के बाद वो देखेंगे कि जो मिड में जो पॉइंट है वो कौन सा है। इसको बहुत इजी रखा है, इसमें इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल इसलिए दूंगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने स्कोर लिया था और इसकी मिड वैल्यू कहाँ, यहां साफ दिखाई दे रही है। इट मींस इसका मीडियन जो है, मीडियन जो है 3 होगा, ठीक। अब ये देख लीजिए, बताना क्या चाहता हूं मैं सिंपली कि यहां पर मैंने 1 को कंसिडर नहीं किया, 2 को नहीं कंसिडर किया, 4 को नहीं, 5 को नहीं कंसिडर किया। यहां पर 1 को जमा किया, 2 को भी जमा किया, इसको जमा किया, सभी को जमा किया। इट मींस ऑल ऑब्जर्वेशंस यहां जो है, ऑल वैल्यूज जो है उनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियन पोजीशन बता रहा है, रिलेटिव पोजीशन है। तो मिड वाली पोजीशन मीडियन हो गई, जिसको 15th परसेंटाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा चलो बाद में बात करते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो मीन जो है उससे प्रभावित होता है। फॉर एग्जांपल यहां 5 की बजाय आप 10 कर दो तो देखना मीन वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन यहां आप 5 की जगह 10 कर दो, यहां मान लीजिए काट कर 10 कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 10, तो मीडियन वही का वही रहा। इट मींस एक्सट्रीम वैल्यू से, सॉरी, जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन भी बोल देते हैं, एक्सट्रीम नंबर भी बोल देते हैं, जो लास्ट वाली है वो उसको और चेंज करके देखो तो भी चेंज होगा, मीडियन चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन का, तो मीडियन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी से अप्लाई कर देना, क्योंकि मीडियन सिर्फ मिड वैल्यू है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है 25th, 75th, 5th और ये 50th, ये वैल्यू होती है, तो दोनों पोजीशन है। अगर परसेंटाइल भी होता है, परसेंटाइल में भी लगभग वही अप्लाई होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू प्रभावित होती है। क्या सभी केसेस को कंसिडर करना पड़ता है? नहीं, मीडियन में सभी केसेस, इस बस एग्जांपल को याद रखो, वहां खुद आप कैलकुलेट कर लो। और मोड हो गया। अब थर्ड मोड है कि जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर किसी ने लिया है, ठीक। इसमें ऑब्जर्व करते हैं, पहले में ये पहले इसमें करें, इसमें कोई भी नंबर, सभी नंबर एक एक बार ऑब्टेंड किए हैं सब पर्संस ने, ठीक है, मोड दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर ये एक बार, दो दो, ये दो बार आए हैं, इसको हम देखेंगे कि दो दो बार आया है,
इट मीन्स मोड क्या हो गया टू, ये वाली वैल्यू जो है वो मोड हुई कि दो स्कोर स्ट्रेस का इस पर्सन ने भी लिया है, इस पर्सन ने भी लिया है, बाकी एक एक बार लिया गया है। तो कई बार होता है कि मोड या मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो स्कोर लिया गया है वो ज्यादा बार भी हो सकता है। यहां की एग्जांपल लेंगे कि मोड यहां पर दो भी है, नंबर एक दो भी है और पांच भी है, पांच भी दो बार हुआ, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ये जो पांच। अब इसको बोलते हैं बाई मॉडल, बाई मॉडल, ठीक है। ऐसे ही मल्टी मॉडल भी हो सकता है, तीन मोड भी किसी, जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा तो उसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ते हो, बाई मॉडल का फिर कर्व ऐसे बनती है, जनरली ऐसे यहां पर आके ऊपर जाके फिर यहां पर। एक बात याद रखनी है कि जो हाइट है, ये जो हाइट है कर्व की, ये बता रही है कितने नंबर ऑफ केसेस, ये जने, ये जने कितने हैं, ठीक है। अगर यहां दो है, दो जनों ने, एक या ना यहां है, दो यहां है, तीन यहां है, दो जनों ने ये स्कोर लिया, यहां स्कोर होगा, मान लीजिए स्कोर क्या है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ज्यादा भी कर लो छह सात, तो दो स्कोर दो जनों ने लिया, ठीक है, पांच स्कोर भी दो जनों ने लिया। हाइट जो कर्व की है, ग्राफ की है, वो नंबर ऑफ केसेस बताती है, इतना याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है, ये वो नुक्ते हैं जो एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। इस तरफ नंबर है, ये इस तरफ प्लस हो रहे हैं, इस तरफ माइनस हो रहे हैं, सॉरी इस तरफ माइनस हो रहे हैं। ये जानना क्यों जरूरी है कि जब आप लर्न करना है आपने के जो नेगेटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, मेसोकर्टिक है, लिप्टोकर्टिक है, ये पोजीशन, क्योंकि तब मीन माइनस मीन मीन मीडियन मोड, इनकी किसकी वैल्यू ज्यादा है ये देखा जाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने मीन भी निकाल लिया, यहां पर मीन सभी का सेम आ रहा है, ठीक, मान लीजिए मीन आपका आ रहा है चार, ठीक, और ये आपका आ रहा है मीडियन तीन, और मोड आ रहा है टू, ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस बनेगी, पॉजिटिव। अब ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा, इसके उल्ट अगर होता है मीन, ये एरो बदल जाते हैं, तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव स्क्यूनेस बन जाएगी। पॉजिटिव स्क्यूनेस की शेप को भी थोड़ा याद रखना है, फिर आगे चल के भी कर लेंगे, इस तरफ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसको याद रखने के लिए ये देख लें, यहां पर इसकी शेप इससे मिल रही है, बस ये याद रखने का तरीका, इसकी शेप इससे मिल रही है। नेगेटिव स्क्यूनेस को याद ही नहीं रखना, कभी भी कोई दो ओपोजिट कंसेप्ट लर्न करने हो, जैसे टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर, ऐसे ही नेगेटिव स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस बिल्कुल ओपोजिट है एक दूसरे के, तो एक को लर्न कर लो, दोनों को लर्न नहीं करना, एक को लर्न कर लो, उसके फैक्टर्स याद कर लो। फैक्टर्स जैसे हैं, मीन को क्या है, मीन, ओके, मीडियन, मोड, ठीक है, तो फैक्टर क्या है, कौन सा बड़ा है, किस ऑर्डर में जा रहा है, ये याद कर लिया। याद रखने के लिए हमने ये एरो को ये कर्व से रिलेट कर लिया, वेरी इजी, अब सार को याद रहेगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव में क्या है कि ये एरो उल्टे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, और ये कर्व कैसे हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे बन जाएगी।
तो दैट इज वाई कि आपको मीन मीडियन मोड साथ में एसोसिएट कर लीजिए, ऐसे इसी को इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। कि जब नॉर्मल कर्व देखनी है, अच्छा नॉर्मल कर्व में क्या होगा उसको याद रखना ही नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आगे चल जाते हैं थोड़ा सा, ये रहा आपका मीन मीडियन मोड, ठीक, जब ये बराबर है तो ये आपकी बन गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, कर्व में याद रखना है ये टेल कभी भी टच नहीं होती, कभी भी टच नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ डाटे पर बेस्ड होती है, लिमिटेड डाटे पर नहीं होती। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं ना हम, यही मीन लाई कर रहा है। मान लीजिए 100 है, 100 मीन है, 100 ही मीडियन है और 100 ही मोड है, ये परफेक्ट परफेक्ट चीज हो गई। ठीक, जो हमने बात की थी कि क्वार्टाइल की जहां उसकी 25th ये हो गया यहां पर सॉरी, और ये परसेंटाइल हो गया, ये 75th परसेंटाइल हो गया, ये इसकी डिवीजन की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में लर्न करने के लिए। तो अब हम ये देखेंगे, वापस चलेंगे कि मीन मीडियन और मोड, ये वाली चीज, ये क्वेश्चन आपको क्या पूछे जाते हैं मोस्टली, के इसको बड़ा कर ले, कि ये कम पूछा जाता है, रिजिडली डिफाइन है मीन, यस, इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ये भी ठीक है। हाँ, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस नीचे दिए हो सकते हैं, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, मीन ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, मीडियन भी नहीं होता और मोड भी नहीं होता। इवन जो मीडियन है वो कई बार तो वैल्यू मिस है आपकी तो भी कैलकुलेट हो जाता है। ओके, ये दूसरी बात, इन कंसेप्ट को समझ लें, ऑल ऑब्जर्वेशन जब आता है तो क्या है, वो मैंने बात बताई थी आपको, 1+2+3+4+5 सारे ही वैल्यू को कंसिडर किया गया है। दूसरा है कैपेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन, क्या इसको मीन को मीडियन को मोड को स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो आपने करना है, क्या फर्दर जो स्टैटिस्टिक हायर स्टैटिस्टिक है उसके लिए इसको यूज ज्यादा किया जाता है कम किया जाता है। ठीक, तो मीन को बहुत ज्यादा किया जाता है, यस, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है, जो मीडियन और मोड की है वो कम है। ठीक, नहीं या कम के बराबर है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कंप्यूटेशन इवन डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी रहने दीजिए। हाँ, अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, तीनों में से पूछा जाए, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या है, यहां पर वापस चलेंगे, यहां 1+2+3+4, ये मान लीजिए सैंपल एक मैंने निकाला था, सैंपल एक, सैंपल दो, सैंपल तीन, सैंपल चार, तो सैंपल ये चार निकाले, मैंने ये देखा कि सैंपल वन में से ये स्कोर आया, सैंपल टू में से ये आया, सैंपल थ्री में से ये स्कोर आया, इसके अलावा भी आ सकता है 4, 3, 5, 5, 6, ठीक है, जिसका मीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये जो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से निकालने के बाद उसमें चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, एक सैंपल की स्कोर को वैल्यू को दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि कितने चेंज है, वो उसको सैंपल फ्लक्चुएशन कहते हैं। और हम क्या पॉइंट कर रहे हैं कि सैंपल फ्लक्चुएशन जो मीन है ये लीस्ट सबसे कम इफेक्ट होता है, अगर मोड और मीडियन से कंपेयर करें, मोड और मीडियन जो है वो सैंपल फ्लक्चुएशन से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अच्छा, और क्या मीन को जहां इसमें से किसी वैल्यू को, ये क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, मीन मीडियन के मोड,
मोड, सीधा आंसर, क्योंकि हमने देखा है एक दो दो तीन चार ऐसे था ना, जहां पांच छह जो भी था आगे, तो दो दो सात ऐसे आंखों से देखा और पता चल गया। ठीक, कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल लोकेशन। ग्राफिकल लोकेशन आप इसी की बना लो, ये हाँ इसको भी देख सकते हैं। चलो ग्राफिकल लोकेशन मान लीजिए आपने ये बनानी है, आपका स्कोर है एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, आगे भी देख लीजिए और इधर है ना, पर्सन कितने हैं, एक दो, ये पर्सन बना दूँ कि आपको याद रहे, ये केसेस हैं तीन, ठीक है, चार और पाँच। अब ये देखिए कि पहला जो है हिस्टोग्राम ज़्यादा इसमें यूज होता है, एक जने ने लिया यहाँ पर लग गया और दो स्कोर जो है, चलो बार बन गया, दो दो जनों ने लिया, ठीक है, तीन भी एक जने ने मान लो लिया, ठीक है, और चार भी एक जने ने लिया, ठीक है। अब साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्कोर है, जो हाइट है किसी भी ग्राफ की या कर्व की जो टॉप वाला है वो मोड होता है, मोड, ठीक है। तो ये सीधा उसका आंसर मिल गया कि ये सीधा ऑब्जर्व हो सकता है ग्राफिकली। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर मीन कैन बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा, नहीं, क्वांटिटेटिव डाटा पर ही किया जा सकता है। इसकी तुलना आप मोड से कर सकते हो कि क्वालिटेटिव डाटा में आप इंटरव्यू ली है, आप कह सकते हो कि ये विचार जो है तीन बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार ये विचार रिपीट हो रहा है, आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि ये बिहेवियर मैंने सात बार ऑब्जर्व, दो बार ऑब्जर्व, मतलब मैक्सिमम बार ऑब्जर्व जो किया है, तो वहाँ मोड अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मीन क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूजफुल नहीं है। इफेक्ट बाय एक्सट्रीम और मार्जिनल ऑब्जर्वेशन और वैल्यू, मैंने क्यों अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं ये थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि यूजीसी नेट जहाँ आपके एग्जाम में हो सकता है, वाइट वाला लेते हैं, कि एक्सट्रीम के साथ वैल्यू शब्द लगा दें, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम के साथ ऑब्जर्वेशन शब्द लगा दें, मार्जिनल के साथ वैल्यू शब्द लगा दें, मार्जिनल के साथ ऑब्जर्वेशनल, ये वर्ड जो है एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर चेंज कर सकता है। तो आपने ये, हम बात कर चुके हैं कि एक्सट्रीम से जो, लेकिन जो मीन जो है एक्सट्रीम से प्रभावित बहुत ज्यादा होता है, उसकी एग्जांपल आप फिर ले सकते हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल इसकी जगह 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 पर आप अगर 12 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये नहीं चल रहा, कलर बदलना पड़ेगा, इसको ये करते हैं ये, ठीक है, इसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं 12, ठीक है, तो मीन जो है तीन से चार बन जाएगा, ठीक। तो दूसरी तरफ मीडियन एंड मोड देखिए, मीडियन मिड वैल्यू है, आप इसकी जगह पर 5 से 10 कर दीजिए फॉर एग्जांपल, तो मीन जो है, मीन जो है ये बहुत जरूरी है अभी, मीन तीन से बदल के कितना हो जाएगा, 4, और ये अगर इसको 5 की इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह 10 कर दिया है, तो क्या मिड पॉइंट बदल जाएगा, मिड पॉइंट पहले क्या था, 3, अब भी रहेगा 3, चेंज नहीं हुआ ना, ये बातें वो पूछ रहे हैं। इधर आप इसकी जगह पर मान लीजिए आपने 6 कर दिया, यहां पर लिखेंगे 6, ठीक, अब इसका मीन तो बदल गया है, 3 से 4 हो गया है, क्या जो मोड है दो दो एक्सट्रीम वैल्यू चेंज होने से बदले, नहीं बदले, इसको आप कर दीजिए 6 से आप 11 कर दीजिए, ठीक। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं 5 जमा कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी रहे। अच्छा, इसकी जगह ये कर दिया, मीन बदल गया, यहां भी देख लीजिए मीन बदल जाएगा, 4 हो जाएगा 3 से, लेकिन क्या जो मोड है जो 2 सा था बदला, वो नहीं बदला, ये बात वो पूछ रहे हैं, आपको एमसीक्यू में अक्सर ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट डाटा कंसिस्ट
एक्सिस्टिंग ऑफ सम एक्सट्रीम पॉइंट, मीन जो है एक्सट्रीम पॉइंट को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बात है। कैन कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल्स हैव ओपन एंड्स, नहीं, मीन नहीं किया जा सकता। तो ये मीन कि साथ साथ में मीडियन मोड के आप हमने करैक्टरिस्टिक्स कंपेयर किए हैं, ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। बस इनमें से सेंट्रल आइडिया और एग्जांपल आप याद रखिए, वहाँ देखिए कि आपको कैसी इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन है, जब स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से किस कोई इंफॉर्मेशन आपके ऑप्शन में हो सकती है, कई बार स्टेम ही हो सकती है, कई बार एग्जाम्पल दी हो सकती है, कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं।